वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एथ मेडिको सो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी पाथवे और बाद में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम सो ये जो सर्कुलेटरी पाथवेज होता है गाइस ये दो टाइप्स में डिवाइडेड है एक है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ये ओपन सर्कुलर सिस्टम होता है ये मोस्टली आर्थ्रोपोडा और मॉलिशा में दिखा जाता है इसमें जो ब्लड फ्लो हार्ट से होता है वो डायरेक्टली बॉडी कैविटीज़ में फ्लो होता है और इस बॉडी कैविटीज़ को हम लोग साइनसिज बोलते हैं गैस सो सेकेंड है क्लोज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और ये जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें जो हार्ट से फ्लो होने वाला जो ब्लड है गाइज वो एक ब्लड वेसल में जाता है वो ब्लड वेसल्स में जाता है और फिर फिर उधर से वो कैपिलरीज और वेंस में डिवाइड होके डिफरेंट ऑर्गन्स की ओर बढ़ता है गाइस और बाद में उसका एक मेन uh, फायदा मतलब बेनिफिट जो है गा ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का वो ऐसा है कि जो ऑर्गन है उसमें जितना जितना अमाउंट ऑफ ब्लड रिक्वायर्ड है उतने ही अमाउंट का ब्लड उस तक पहुँचता है गाइस सो so, आगे हम लोग बढ़ते आगे हम लोग देखेंगे हार्ट तो अभी वैसे हर एक एनिमल मतलब हर एक वर्टिब्रेट में हार्ट होता है बस उसमें भी अलग अलग डिफरेंसेस है मतलब अलग अलग चैम्बर्स है सो so, पहले हम लोग देखेंगे फिश में सो so, फिश में जो होता है गाइस वो है टू चैम्बर्ड हार्ट्स और ये टू चैम्बर्ड है उसमें होता है एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल इसमें जो एट्रियम है गाइस वो इम्प्योर ब्लड कैरी करेगा और ये जो वेंट्रिकल है गाइस वो प्योर ब्लड कैरी करेगा थ्री चैम्बर्ड हार्ट्स ये मोस्टली एम्फीबियंस में दिखता है और रेप्टाइल्स में दिखता है इसका एक्सेप्शन है जो नीट में पूछा गया है वो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना सॉरी so, ये जो थ्री चेंबर्ड हार्ट है वो उसमें टू एट्रिया होता है और एक ही वेंट्रिकल होता है और इसको इनकम्प्लीट क्यों बोला जाता है क्योंकि इसमें ब्लड फ्लो एट्रियम तो अलग अलग होता है मतलब राइट एट्रिया में इम्प्योर ब्लड होता है और लेफ्ट एट्रिया में प्योर ब्लड होता है बट वो जब वेंट्रिकल्स में आते हैं तो एक वेंट्रिकल के कारण वो मिक्स हो जाता है सो इसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन उसके बाद में आता है गाइस इस फोर्ड चेंबर्ड हार्ट फोर चेंबर हार्ट में क्या होता है दो एट्रियाज होते हैं और दो वेंट्रिकल्स होते हैं so, सो इसमें ब्लड फ्लो डायरेक्ट सेपरेट होता है मतलब राइट right साइड जो होता है उसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है गाइस लेफ्ट साइड जो होता है उसमें प्योर ब्लड फ्लो होता है सो so, पहले हम लोग अभी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ लेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में उसको दूसरा नाम है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और इसमें होता है ब्लड कैपिलरीज वेंस एम वेंस आर्टरीज नर्व्स और एक आता है मस्कुलर चेम्बर हार्ट तो आज इस वीडियो में हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे गाइस ह्यूमन हार्ट ह्यूमन हार्ट ये मिजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है गैस और इसका इसका जो पोजीशन है वो दो लंग के बीच में थोरेसिक केज में दो लंग्स के बीच में पर ये स्लाइटली शिफ्टेड मतलब स्लाइटली ये लेफ्ट लंग की तरफ बढ़ता है गाइस और हार्ट uh, मतलब ये जो हार्ट है उसका ये डबल मेम्रेन वॉल्ड लाइक स्ट्रक्चर में कवर्ड है और उसको हम लोग बोलते हैं गाइस पेरिकार्डियम जो हार्ट और पेरिकार्डियम के बीच में जो लेयर होता है उस वो उसमें हम लोग होता है उसमें होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड सो अवर ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इंटू फोर चेम्बर्स जैसे मैंने पहले बोला ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इंटू फोर चेंबर्स टू एट्रिया एंड टू वेंट्रिकल्स ये जो एट्रिया होते है गाइज वो छोटे छोटे चेंबर्स होते है गा इस दो और ये नीचे होते हैं वेंट्रिकल्स वो बड़े वाले चैम्बर्स होते हैं सो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल ऑलवेज कैरीज इम प्योर ब्लड वेराज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट एट्रियम ऑलवेज कैरीज द प्योर ब्लड सो इसके बाद जो होता है गाइज ये एट्रिया और वेंट्रिकुलर इसके अंदर होते हैं कुछ सेप्टम्स होते है गाइज तो उसको पड़ेंगे पहले और थीन मस्कुलर वॉल प्रेजेंट बिटवीन जो ये जो होता है राइट right एट्रियम और राइट right वेंट्रिकल के बीच में अगर होगा जो राइट right एट्रियम और राइट right वेंट्रिकल को सेपरेट करेगा उसको हम लेंगे उसको हम लोग बोलेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम और फिर दूसरा आता है जो दो एट्रिया को सेपरेट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम और फिर तीसरा जो आएगा गाइस उसको वो दो वेंट्रिकल्स को जो सेपरेट कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सिस्टम सो अभी ये जो ब्लड फ्लो होता है गाइज़ वो राइट right एट्रियम से राइट right वेंट्रिकल में होने से वो जो परफेक्ट अमाउंट में होना चाहिए या फिर हमेशा जो हार्ट में ब्लड फ्लो होता है उसके लिए बैक फ्लो नहीं होना चाहिए उसके लिए वॉल्व प्रेजेंट हो जाएगा इस वॉल्व जो हम लोग पाइप फिटिंग में भी बिठाते हैं जिससे ब्लैक फोन ना हो सो पहले ये हार्ट के देख लेते हैं जो राइट right एट्रियम और राइट right वेंट्रिकल है उसके बीच में एक वॉल होता है गाइज वॉल्व उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइक स्पीड और जो फिर दूसरा आता है लेफ्ट टैट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में और उसको हम लोग बोलते हैं गए बाइकस्पिड वॉल और उसका ही दूसरा नाम है मीटरल वॉल सो so, ये और दो सेमिलर वॉल्स होते हैं गाइस वो प्रेजेंट होते हैं एक होता है पल्मोनरी आर्टरी में और दूसरा होता है एटा के बीच में इसका मेन फंक्शन क्या है गाइस बैक फ्लो प्रिवेंट करने का सो so, ये वॉल्स का तो फंक्शन हम लोग को पता चल गया अभी बाद में इसके पास दो पैचेस होते हैं गाइस हार्ट में और वो पैचेस का नाम है एस ए नोड और ए वी नोड पहले उनका लोकेशन जान लेते हैं एस ए नोड जो प्रेजेंट होता है वो अपर लेफ्ट कॉर्नर में होता है राइट right एट्रियम के और इसका मेन फंक्शन है जनरेटिंग द जनरेटिंग द एक्शन एक्शन पोटेंशियल जनरेटिंग द एक्शन पोटेंशियल विदाउट द एक्सटर्नल स्टिमूला है और दूसरा जो ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने वाला नोड होता है वो प्रेजेंट होता है लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द एट्रिया लेफ़्ट कॉर्नर ऑफ़ द एटरियाम मतलब ये दोनों जो प्रेजेंट है गाइस वो राइट right एट्रियम में ही प्रेजेंट है बट जो ऊपर वाला है मतलब ऐसे नोड है वो ज़्यादा मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है इसीलिए उसको हम लोग और उसका मेन फंक्शन जो है गाइस वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के बाद रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट देता है और वो नॉर्मली सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव बीट्स पर मिनट देता है और उससे हम लोग एवरेज बीट निकालते हैं तो वो होता है सेवेंटी टू बीट्स पर मिनट तो हम लोग का ह्यूमन हार्ट जो है गाइस वो सेवेंटी टू बीट्स पर मिनट इसलिए फ्लो होता है ड्यू टू प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दी एसे नोड सो एस ए नोड का दूसरा नाम पेस मेकर भी है गाइस और ये नीट के एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार आगे भी ये सवाल आ सकता है तो इसको याद रख लेना और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दो नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने जो पूछा था उसका आंसर दे देना और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट कर देना उसके बाद इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दो गाइस और हम लोग के टेलीग्रे और हम लोग को ये यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना गाइस अगर आपको कोई डाउट्स है या फिर कोई भी क्वेरीज है तो आप हम लोग को इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो या फिर आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको बायो में दे दे रहा हूँ गाइस थैंक यू